सभी को नमस्कार। डाइट मथुरा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको इंटर्नशिप अंक पूरित करने की प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा कि इसमें प्रधान अध्यापकों का क्या योगदान है और इंटर्नशिप कर रहे प्रशिक्षुओं द्वारा क्या प्रक्रिया पूरित की जानी है। तो सबसे पहले प्रधान अध्यापकों द्वारा जो भी प्रशिक्षु हैं उनकी कार्यमुक्ति देनी है, वह उन्हें इंटर्नशिप के अंक प्रदान करने हैं, जिसके लिए उन्हें सबसे पहले स्कूल लॉगिन पे जाना होगा। तो ये डाइट मथुरा की वेबसाइट आप खोलकर उसके बाद आप यूजर लॉगिन पे क्लिक करें, उसके बाद स्कूल लॉगिन पर क्लिक करें। तो स्कूल लॉगिन आपको कुछ इस प्रकार दिखेगा। यहाँ पे आप सबसे पहले ब्लॉक, फिर आपका स्कूल एवं पासवर्ड डालें। स्कूल लॉगिन होने के पश्चात आपको ये स्कूल डैशबोर्ड दिखाई देगा। इसमें आपको इंटर्नशिप हेतु डीएलएड प्रशिक्षु सूची पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आपके विद्यालय में इंटर्नशिप कर रहे प्रशिक्षुओं की सूची मिल जाएगी। इस पर बाद आपको इंटर्नशिप अंक भरें इस बटन पर क्लिक करना है। इसके द्वारा आप उस प्रशिक्षु के अंक व कार्य मुक्ति की आख्या व उसके पत्र व्यवहार संख्या यहाँ पे अंकित करेंगे। कुछ इस प्रकार उस प्रशिक्षु की डिटेल्स आपको दिखाई दे रही हैं। इसके बाद आपको उसको कार्य मुक्ति पत्र व्यवहार संख्या यहाँ पे अंकित करनी है और कार्य मुक्ति की दिनांक आपको देनी है, और नीचे आपको उसको इंटर्नशिप में जो अंक हैं वो भरने हैं। सबसे पहले कार्य मुक्ति संख्या, दिनांक, और उसका यहाँ पर कुल योग। इसके बाद आपको सबमिट कर देना है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा इंटर्नशिप अंक सफलतापूर्वक भरे गए। इस ट्रेनी के आपके स्कूल के द्वारा इंटर्नशिप अंक व कार्य मुक्ति की आख्या अपलोड की गई है। इसके बाद प्रधान अध्यापक को उस बच्चे से रिलेटेड कोई आगे कार्य नहीं करना है। इसके बाद जो कार्य है वह ट्रेनी का है, जो कि कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले ट्रेनीज को अपना स्टूडेंट लॉगिन करना है। तो स्टूडेंट लॉगिन के लिए वे सबसे पहले यूज़र लॉगिन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करेंगे। स्टूडेंट लॉगिन पे आने के बाद यहाँ पे अपना बैच सेलेक्ट करेंगे, अपना कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। इसके बाद स्टूडेंट डैशबोर्ड पर यहाँ पे आपको दिखाई देगा कार्य मुक्ति विवरण अपलोड हो चुका है, इंटर्नशिप अंक प्रदान किए जा चुके हैं। तो आपके इस विद्यालय द्वारा आपको अंक व कार्य मुक्ति का विवरण अपलोड कर दिया है। इसके बाद आपको मूल्यांकन एवं कार्य मुक्ति पत्र डाउनलोड करें, इस पर क्लिक करना है। यह है आपको लेटर दिखाई देगा, इसको आप प्रिंट कर लें। इसकी आपको दो कॉपीज निकालनी है, जिसके बाद आपको इस उस पर प्रधान अध्यापक द्वारा मोहर व साइन लगवाकर दोनों कॉपी, एक कॉपी आपके विद्यालय में व एक कॉपी आपको अपने प्रशिक्षण संस्थान में जमा करनी है। वह उसी पत्र का एक फोटो खींचकर पत्र अपलोड करें, यहाँ पे अपलोड करना है। तो आप अपना फोटो एक खींच ले उस पत्र का, इसके बाद पत्र अपलोड करें पे क्लिक करें। इसके बाद आपको ब्राउज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करें। इसके बाद आपको एक इमेज सेलेक्ट करनी है जो आपने खींची है, उसको ओपन करें एवं अपलोड फोटो पे क्लिक करें। आपको ये चेतावनी, अपलोड किए फोटो का साइज केवल 100 से 500 केबी के बीच होना चाहिए। तो केवल 100 से 500 केबी के बीच आपको जो फोटो का साइज है वो होना चाहिए। आपने सेलेक्ट कर लिया है अपलोड फोटो।
इसके बाद इमेज हैज बीन अपलोडेड आपको दिखाई देगा और आप बाहर आ जाएंगे। ये आपका इंटर्नशिप लेटर अपलोड हो चुका है। प्रशिक्षु द्वारा भी यही प्रक्रिया करनी है। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो एक बार आप दोबारा लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने पे आपको दिखाई दे जाएगा इंटर्नशिप पत्र अपलोड हो चुका है। आपको इंटर्नशिप के लिए यही प्रक्रिया करनी है। धन्यवाद।